हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुकसार चैनल पर। नीति आयोग केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण आयोग है, जो कि थिंक टैंक है। पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और एक कार्यकारी संस्था है। ना तो इसे विधि द्वारा बनाया है, ना ही संविधान के अनुसार इसे बनाया गया है। इसे सो जो मंत्रिमंडल है उन्होंने एक अध्यादेश द्वारा क्या है, कार्यकारी संस्था बनाया है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। तो ध्यान रखें, पहले अपने योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। उसे खत्म करके नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का विस्तृत नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार तो ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति की। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए आयोग है, भारतीय राष्ट्रीय प्रवर्तनकारी संस्था हिंदी में देखें तो। नीति आयोग कार्यकारी निकाय है क्योंकि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा गठित है। योजना आयोग पहले था, अपन ने देखा, ठीक है, 1950 के अंदर बना था, मार्च 1950 के अंदर। फिर अपन ने देखा कि 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग बना दिया। तो क्या फर्क है आयोजना, जो अपना आयोजना आयोग था और नीति आयोग है, इन दोनों में? यह गैर संवैधानिक संस्था है, यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को। इसके अंतर्गत सचिव का पद आता था, इसके अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO का पद आता है। यह 5 वर्ष की योजना बनाता था और यह 15 वर्ष की लंबी योजनाएं बनाता है नीति आयोग। इसका क्रम ऊपर से नीचे की तरफ था। ऊपर से मान लो योजनाएं बनती थी और नीचे ऐसे आती थी लोगों तक, नागरिकों तक। इसका क्रम नीचे से ऊपर तक है। लोग अर्थात लोगों से जुड़े जो भी व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, वो लोगों से पूछकर ऊपर की ओर योजनाओं को भेजते हैं कि ये हमारे को डिमांड करते हैं और वापिस से योजनाएं इस प्रकार आती है। तो इसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर है। यह केंद्रीकरण है, यह विकेंद्रीकरण सहकारी संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। फिर देखें नीति आयोग गैर संवैधानिक संविधान इतर तथा परामर्शकारी सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है जो भारत सरकार के निदेशकीय व नीतिगत इनपुट उपलब्ध करवाता है। यह बॉटम से अप कार्य करता है तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली संस्था है। तो ध्यान रखें, नीति आयोग क्या है, एक सलाहकारी है। सरकार को प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए सलाह देता है और नागरिकों से सलाह लेकर के ऊपर तक पहुंचाता है और उसी के अकॉर्डिंग योजनाएं बनवाता है, 15 वर्ष की योजनाएं बनवाता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के कौन है उपाध्यक्ष, तो ध्यान रखें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं इसके अंदर। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं 1 मई 2022 से। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, BVR सुब्रमण्यम हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, सर्वप्रथम उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे सुमन बेरी हैं। और CEO देख ले कौन कौन, सर्वप्रथम थे सिंधु श्री खुल्लर, फिर अमिताभ कांत, फिर परमेश्वर अय्यर को बनाया गया, और वर्तमान में कौन है, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है वर्तमान के अंदर। आप दो याद रखें मुख्य रूप से, सिंधु श्री खुल्लर और BVR सुब्रमण्यम CEO, और अरविंद पनगड़िया प्रथम थे, सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं, मतलब उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष करता है नीति आयोग का। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। CEO की नियुक्ति भी अध्यक्ष करता है और CEO सचिव स्तर का अधिकारी IAS होता है। तो उपाध्यक्ष एक तो होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तो कैबिनेट मंत्री के लेवल का होगा और CEO किस लेवल का होगा, सचिव स्तर का IAS अधिकारी होगा। फिर देखें कुछ इसकी परिषदें हैं, जैसे गवर्निंग काउंसिल होगी, फिर क्षेत्रीय परिषद होगी, और ये दोनों इनके बारे में पढ़ते हैं। गवर्निंग काउंसिल के अंदर क्या है, जो शासन करता है या फिर शासकीय या फिर गवर्न करते हैं, इसके अंदर एक तो अपने प्रधानमंत्री हो गए, इसके अलावा समस्त राज्यों के या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, उपराज्यपाल, कमिश्नर, जो भी सदस्य हैं वह। कैसे, मैं बताऊँ आपको कि राज्यों के तो मुख्यमंत्री हो गए,
कई तो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कईयों के उपराज्यपाल हो जाएंगे और कईयों के प्रशासक हो जाएंगे। वो कौन कौन से अपन देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री किसके हो जाएंगे, दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख के। प्रशासक किसके हो जाएंगे, दादरा और दमन दीव और लक्षद्वीप चंडीगढ़ के, इनके प्रशासक हो जाएंगे। तो इस प्रकार गवर्निंग काउंसिल बनती है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, मतलब राज्यों के जो भी प्रतिनिधि होते हैं ना मेन मेन, उनको लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर गवर्निंग काउंसिल बनती है। नॉर्मल लेवल पर बताऊं तुम आपको। फिर देखें इसमें क्या लिखा है, नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, तो यह भी आप बात याद रखें। तो गवर्निंग काउंसिल हो गए, गवर्निंग काउंसिल में मैंने बता दिया आपको क्या क्या है। फिर देखें क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद का गठन प्रधानमंत्री करता है। जिस प्रकार आपने देखा उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है, अर्थात अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष और सीईओ की भी यही करते हैं। गवर्निंग काउंसिल आपने देख ली, वैसे क्षेत्रीय परिषद की बैठ के प्रधानमंत्री बुलाता है। तो बैठ के बुलाता कौन है, अध्यक्ष, लेकिन अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। और इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद किस लिए बनाई, क्षेत्रीय परिषद इसलिए बनाई कि अगर राज्यों का कोई मुद्दे हो तो उनको सोल्व करने के लिए, अधिक राज्यों के इस मुद्दों को सोल्व करने के लिए क्षेत्रीय परिषद को बनाया गया। इसके अंदर पदेन सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद से 4 मंत्री होते हैं पदेन सदस्य, लेकिन ये अस्थायी होते हैं, ध्यान रखें। तो एक तो गृह मंत्री, एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक कृषि मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री परिषद से 4 मंत्री पदेन सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री नामित करते हैं, प्रधानमंत्री नामित करते हैं। पदेन सदस्य अस्थायी होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 4 पदेन सदस्य होते हैं ना, ये अस्थायी होते हैं क्षेत्रीय परिषद के। फिर 6 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 पूर्णकालिक सदस्य है वह 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन, अधिकतम 6 होंगे स्थायी सदस्य, अपन ने देखा। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, वह इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य है, जैसे अभी कौन है, वी के सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल और अरविंद वीरमानी वर्तमान में 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो अपन ने देखा क्षेत्रीय परिषद, और इससे पहले अपन ने गवर्निंग परिषद देखी थी। तो गवर्निंग परिषद में तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, भले ही तो केंद्र शासित प्रदेश हो भले ही तो राज्य हो। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद बनाई क्यों गई, कि एक से अधिक कोई राज्य है उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं तो उनको सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर तो कैबिनेट, 4 जो अपने केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद उसमें से नामित करते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा 6 सदस्य होते हैं स्थायी, जिनमें से 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अंशकालिक सदस्य 2 होंगे, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएंगी, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यह शोध के विशेषज्ञ होंगे जो विभिन्न विश्वविद्यालयों व अन्य शोध से केंद्रों से होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं नीति आयोग के अंदर, कौन कौन, इनमें विषय विशेषज्ञ सभीज्ञों को जिनके पास संबंधित क्षेत्र का योग्यता हो शामिल किया जाता है। तो विशेष आमंत्रित किनों किया जाएगा, जिनको विशेष क्या है, ज्ञान हो किसी क्षेत्र के अंदर। वर्तमान में नितिन गडकरी परिवहन का ज्ञान, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह है सांख्यिकी मंत्री। नीति आयोग के 2 हब होते हैं, ध्यान रखें, एक तो टीम इंडिया हब, दूसरा ज्ञान एवं नवोन्मेष हब। तो टीम इंडिया हब, इसमें प्रत्येक राज्य व मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं और यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध करवाता है। तो नेशनल लेवल पर हेल्प के लिए टीम इंडिया एक क्या है, एक मंच उपलब्ध करवाता है। टीम इंडिया के अंदर प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होगा और मंत्रालय से प्रतिनिधि होगा। ज्ञान और नवोन्मेष हब, इसमें विषय विशेषज्ञ वे विद्वानों को रखा जाता है जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या हैं, समावेशिता, अंत्योदय, धारणीयता, अभिशासन, जन सहभागिता, ग्राम और जनसंख्या। समावेशिता अर्थात सुरक्षित व हाशियाकृत वर्ग को सशक्त बनाना। अंत्योदय, इस परिकल्पना के जनक दीनदयाल उपाध्याय थे, गरीबों व अभिवंचित वर्ग के लोगों का उत्थान करना।
धारणीयता, नियोजन व विकास की प्रक्रिया में धारणीयता के केंद्र बिंदु में रखना तथा पर्यावरण के प्रति सम्मान की प्राचीन परंपरा का सम्मान करना, खुले पारदर्शी व कार्य कुशल प्रशासन को आगे लाना ताकि लागत कम और परिणाम अच्छे आए, यह नीति आयोग के क्या है मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। जन सहभागिता, विकास प्रक्रिया को जनचालित बनाकर जागृति एवं सहभागिता नागरिकों को सुशासन का चालक बनाना, ग्राम विकास प्रक्रिया का ग्राम से जोड़ना, विकास प्रक्रिया को ग्राम से जोड़ना, जनसंख्या, युवा जनसंख्या अर्थात मानव संसाधन का समुचित उपयोग शिक्षा कौशल और विकास करके लेना। नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं वो अपन देख लेते हैं। सशक्त राज्य व सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना अर्थात प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध करवाना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण एवं एक तंत्र विकसित करना, ठीक है, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण का एक तंत्र विकसित करना, आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल किया जाए, और हमारे समाज के उन लोगों या वर्गों को विशेष ध्यान देना जिन पर विकास का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। निष्कर्ष तय यह कहा जा सकता है कि नीति आयोग न केवल 15 वर्षीय योजना बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य इत्यादि की प्राप्ति हेतु भी प्रयास करता है, और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखें, स्मरणीय तथ्य है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक राज्यों के लिए जारी किए जाते हैं, नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान एम्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए जाते हैं, और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत भी नीति आयोग ने की थी। तो ये चार चीज़ें आप जरूर याद रखें, नीति आयोग के ये स्टार्टअप थे, एक तो अटल इनोवेशन मिशन, दूसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि राज्यों के लिए, भारत के राज्यों के लिए, और पोषण अभियान इंपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए जाते हैं नीति आयोग द्वारा, और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत भी नीति आयोग द्वारा शुरू की गई थी। तो यह था नीति आयोग, आप नोट डाउन कर लें इसको और दोहराएं, इसको मनन करें दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।